नमस्कार दोस्तों, मैं निधि त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एनजीओ वर्ल्ड न्यूज में। आज हमारे साथ हैं सीए राजेश वर्मा सर, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि एनजीओ को फंडिंग किस प्रकार मिलती है। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि एनजीओ को फंडिंग किस प्रकार मिलती है। थैंक यू निधि। फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, नमस्कार। एक एनजीओ को फंडिंग कहाँ से मिलता है? बहुत से लोग हैं जिन्होंने नया नया अपना एनजीओ बनाया है। कुछ लोगों के एनजीओ के 3 साल पूरा हो चुके हैं और वो परेशान हैं, वो समाज के कल्याण के कार्य करना चाहते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहते हैं अपने आप को, बट उनके पास अपनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस है और हर व्यक्ति की फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती है। तो जब तक आउटसाइड से, बाहर से फंडिंग नहीं मिलेगी, एनजीओ अपना कार्य कहां से कर पाएगी? तो काफी अहम सवाल है कि एक एनजीओ को फंडिंग कहां से मिलती है। फ्रेंड्स, एनजीओ को फंडिंग 3 सोर्सेस से मिलती है। मैं डिवाइड करता हूं, प्राइवेट डोनेशंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स और फॉरेन फंडिंग। खास करके जो एनजीओ नया रजिस्टर होता है उनके लिए ज्यादातर कठिनाइयां होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के ग्रांट्स है उसके लिए मैक्सिमम जगह जो है रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी एनजीओ एटलीस्ट 3 ईयर्स ओल्ड, 3 साल पुराना होना चाहिए। ऐसे में जो नए एनजीओ है वो क्या करे, वो कहां से फंड रेज करे? तो जब भी आपने एनजीओ बनाया है तो जो पहला जो आपका सोर्स है वो है प्राइवेट डोनेशंस, और प्राइवेट डोनेशंस का जो फर्स्ट पोर्शन होता है, जो फर्स्ट स्टार्ट होता है, वो होता है मेंबर्स कंट्रीब्यूशन, यानी जो आपके सदस्य है आप उनसे पहले फंड ले और थोड़े बहुत फंड मिला करके आप छोटा मोटा जो एक्टिविटी है, जो आप जिस काम के लिए आपने एनजीओ फॉर्म किया है वो आप करना शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं, और उससे आपके एनजीओ का कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव बनना शुरू होता है जिस कार्य के लिए आपका एनजीओ फॉर्म हुआ है उसके लिए। मेंबर्स के बाद में जो आपके आसपास के नोन है, कितन किन से हैं आपके, जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आप वहां से डोनेशन लेना शुरू कर सकते हैं। वो आपके कार्य को देख के आप फंडिंग करना शुरू कर सकते हैं। आप वेबसाइट बना सकते हैं, उसके थ्रू आप फंडिंग लेना शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन डोनेशन एक्सेप्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनिशियल लेवल पे आप डोनेशन फंड्स रेज करने के लिए कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर लिया आपने, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया। सो देयर आर सो मेनी वेज, इवन एनजीओ की टीम फंडिंग, फंड रेजिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। तो ट्रेन करके अपने स्टाफ को, अपने टीम को आप फंडिंग लेने का एक्टिविटी कर सकते हैं अपने यहां, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको प्राइवेट डोनेशंस पे ही आपको डिपेंड होना होगा। इसके अलावा जो एक और सोर्स है, जो जहां तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग, अगर आप स्किल डेवलपमेंट में है, कौशल विकास में है, या कोई भी एक्टिविटी में है, अगर स्किल डेवलपमेंट में है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में एंट्री इनिशियल नए ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलती है, वहां से आप फंडिंग ले सकते हैं, अपना सेंटर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अगर आपके पास सेंटर एस्टेब्लिश करने का कैपिटल है तो। अब कई एनजीओ के सवाल ये आते हैं कि मेरे पास उतना फंडिंग भी नहीं है, अब कैसे करें? तो जो ऑलरेडी पुराने एनजीओ हैं जिन्होंने अप्रूव करा रखा अपना प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट से ग्रांट्स ले रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए, डीडीयू जीकेवाई के लिए, एनयूएलएम के लिए, सीखो और कमाओ के लिए, आदि बहुत सारे प्रोजेक्ट है उसके लिए, अगर कोई भी जो बड़े एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन से जो काम कर रहे हैं, उनके कुछ पार्ट वर्क उनसे आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे उनके लॉजिंग फैसिलिटी का हो गया, जो बच्चों को फूड प्रोवाइड करना हॉस्टल में वो काम आउटसोर्स कर सकते हैं, प्लेसमेंट के
कुछ काम उनसे सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें मोबिलाइजेशन का काम ले सकते हैं आप। तो देर आर सो मेनी थिंग्स बाई विच यू कैन अटैच योर सेल्फ टू ओल्ड एनजीओ, और जिससे क्या होता है कि आपका एक तो आपका एक्सपीरियंस बनता है और आपके यहां एक फंडिंग का सोर्स बनता है, आपके एनजीओ का टर्नओवर बढ़ता है। जो एक्सपीरियंस्ड एनजीओ हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ आजकल फंडिंग है वो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR फंड्स। फ्रेंड्स, CSR का बहुत बड़ा मार्केट है और ये सबसे बड़ा सोर्स है एक एनजीओ के फंडिंग के लिए। तो अपने आप को आप किसी कॉरपोरेट से अटैच करके जो कॉरपोरेट के CSR के पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और CSR से फंडिंग ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट हमारे यहां आपको पता है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट में काम करने के लिए फंडिंग करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इंडिया में काम करने के लिए फंडिंग करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट ऑल मिनिस्ट्रीज, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स है, सबके पास कुछ ना कुछ फंडिंग एनजीओ के लिए होता है। और जो विशेष करके जो मेन मिनिस्ट्री है जहां से गवर्नमेंट एनजीओ को फंडिंग मिलती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, माइनॉरिटी अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब मेन मिनिस्ट्री है जहां से एनजीओ को फंडिंग मिलता है। और इन ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री देयर आर मोर देन 5-6 स्कीम्स रनिंग फॉर एनजीओ। तो आप वहां से मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फंडिंग के लिए और अप्लाई कर सकते जब भी उनका अप्लीकेशन इन्वाइट होता है। फ्रेंड्स, एक बात यहां पर और है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स लेने के लिए आपका एनजीओ है नीति आयोग में रजिस्टर्ड होना मस्ट है। मैं पहले ही बता चुका हूं अपने वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं। अब आते हैं फॉरेन फंडिंग के लिए। तो फॉरेन की बहुत सारे कंपनीज है, वहां की एनजीओ हैं, फॉरेन की गवर्नमेंट है जो दूसरे कंट्री में भी एक्टिविटीज करने के लिए वेलफेयर के लिए एनजीओ को फंडिंग करती है। लेकिन फॉरेन फंडिंग लेने के लिए आपके पास FCRA का रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन होना मस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 सोर्सेस है मैंने ब्रीफ किया आपको, प्राइवेट फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग एंड फॉरेन फंडिंग। अब इसके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन के लिए हमारा टाइम टाइम पर वेबिनार होते रहता है, आप वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। उसमें आपको फिर डिटेल में कि CSR क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। जैसा कि दर्शकों आपने देख लिया, आपने समझ लिया, सर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो काफी ब्रीफ में है, क्योंकि ग्रांट्स से रिलेटेड, फंडिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके लिए हम वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और काफी करते भी रहते हैं। तो नेक्स्ट वेबिनार में हम फंडिंग से रिलेटेड ही कर रहे हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और वेबिनार को ज्वाइन करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।